हाय एवरीवन, वेलकम टू दी सोशियोलॉजी क्लास। सो मैं लेके आ गई हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है सोशियोलॉजी इन 5 मिनट्स। इसमें मैं कोई भी एक सिंपल सा टॉपिक लूंगी और मैं उसे 5 मिनट्स में एक्सप्लेन करूंगी ताकि बहुत ज्यादा टाइम कम लगे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इन टू दी वीडियो। सो मैंने जैसे कि बोला कि वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, 5 मिनट की, तो मुझे सिर्फ मेन पॉइंट्स बताने हैं। ओके, सो फर्स्ट अपीयर्ड इन आर्काइव्स ऑफ साइकोलॉजी विच वॉज बाय हर्बर्ट हाइमन। तो सबसे पहले जो हमें रेफरेंस ग्रुप क्या होता है इसका जिक्र हमें दिखता है आर्काइव्स ऑफ साइकोलॉजी में, जो दिया था हर्बर्ट हाइमन ने। इसके बाद ये मर्टन थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर दिया 1950 में, और इन्होंने ये इंस्पायर होकर दिया था सैमुअल स्टॉफर्स से, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक बुक लिखी थी उन्होंने अमेरिकन सोल्जर 1949 में, जिसमें उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स के बिहेवियर को स्टडी किया था। ओके, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप इज अ ग्रुप विद विच वन ऑलवेज मेक्स अ कंपैरिजन इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट वन्स अचीवमेंट। रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिससे हम हमेशा अपने आप का कंपैरिजन रखते हैं, अपने उसके अचीवमेंट्स और अपने अचीवमेंट्स को मिलाते हैं, एस्पिरेशंस, रोल परफॉर्मेंस, एम्बिशन। तो इसके बेसिस पे हम एक कंपैरिजन रखते हैं, ठीक है, हमने क्या अचीव किया है, हमारे क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या हमारी परफॉर्मेंस है, क्या हमारे एम्बिशंस है, इसके बेसिस पे हम एक कंपैरिजन रखते हैं अगर किसी ग्रुप के साथ, तो वो हमारा रेफरेंस ग्रुप होता है। ठीक है, दे एक्ट एज अ नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन, मतलब कि जिस भी ग्रुप के साथ हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हाँ हमारा ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, जैसे कि ये ग्रुप है ग्रुप ए, तो ग्रुप ए का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड भी हाई हो उसी ग्रुप के जैसा। ठीक है, अ कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होम यू कंपेयर योर सेल्फ अगेंस्ट एंड मे स्ट्राइव टू बी लाइक। रेफरेंस ग्रुप जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं वो होता है हमारा रेफरेंस ग्रुप। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए सेलिब्रिटी, हीरो, अगर आप किसी कोई एक्टर बनना चाहते हो तो आपका एक हीरो होगा ना कि मुझे इसकी तरह बनना है, सो वो ऐसे लोग जो होते हैं वो हमारे आते हैं रेफरेंस ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ अच्छे लोग हैं, मान लीजिए मैं इनकी तरह बनना चाहती हूँ, मैं एक ऑफिस में काम करना चाहती हूँ, तो मैं हर वो चीज करूंगी जो मुझे इनके ग्रुप में फिट करे, तो ये मेरा रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा। ओके, नाउ मर्टन ने दो तरह के रेफरेंस ग्रुप बताए थे, पहला है पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, दूसरा है नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप का मतलब है ऐसा ग्रुप जो कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वन विशेस टू ज्वाइन, यानी वो चाहता है कि वो ज्वाइन करे। और नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप का मतलब है जो हम अवॉइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चोर हैं, थीफ हैं, ठीक है, ये लोग रॉबरी करते हैं, तो इस तरह के ग्रुप को हम नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे जितने भी ये शॉर्ट पीडीएफ्स हैं, लॉन्ग पीडीएफ्स, कंपाइल्ड पीडीएफ्स, मैं सारे पीडीएफ्स वहां पे ही डालूंगी, सो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।